नमस्कार आदाब सत्याल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिस्ट ऑफ हिंदू एड अदर रिपोर्टर सोर्स दिस इज थर्ड एंड फोर्थ ऑफ जुलाई 2022 विद मी तीन और चार जुलाई की खबरों में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता तो हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और बस इसी तरह से फॉलो करते रहिएगा आगे बढ़ते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सबसे पहले जो भी लोग नहीं जुड़े हैं एट द रेट के कार्ड आर्टपाल ताकि आपको मेरी क्लासेस की जितनी भी अपडेट्स है और क्लासेस की पी है वहाँ पर मिल जाए राइट right? अगर आप डेली प्रैक्टिस क्विज़स चाहते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करना अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की चीज़ें एक ही जगह चाहिए इंक्लूडिंग दी रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश एज वेल एज दी प्रीलिम्स uh, के क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन एडिटोरियल आपको चाहिए जीए के क्वेश्चन चाहिए जीए के पी चाहिए एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाए इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको तो सब चीज़ें आपको नोटबुक सीरीज़ के अंडर मिल जाती हैं इसके बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैंने इसी uh, मंथ की फ़र्स्ट क्लास के लास्ट में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है आप जाकर उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं उसी तर्ज पर हमारे एनुअल मॉक टेस्ट हैं अगर आप एनुअल मॉक टेस्ट लेने का सोच रहे हैं तो बहुत ही

ओके अडानी स्पोर्ट्स लाइन एक स्पोर्ट्स आम है अडानी ग्रुप की यह बना है ऑफिशियल पार्टनर विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हजार होंगजो एशियन गेम्स 2022 और पेरिस ओलम्पिक गेम्स 2024 हज़ार चौबीस सो ये तीन जगहों पर जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं इन तीनों का एक ऑफिशियल पार्टनर स्पॉन्सरशिप जो है वो आपकी ली है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने जो कि इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन एस के साथ इसने टाईप उसके तहत आपका किया है ये दूसरी बार हुआ है जो अडानी ग्रुप यहां पर आपका आईओ के साथ यहां पर टाइप किया है इससे पहले जो एसोसिएशन थी 2021 में की थी जब उन्होंने इंडियन कॉन्टिनेंट को यहां पर स्पॉन्सर किया था टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान अडानी स्पोर्ट्स लाइन इनकी खुद की भी टीम्स है विद इंडिया एंड द ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग प्रो कबड्डी लीग में इनकी टीम है अल्टीमेट खो खो लीग में इनकी टीम है बिग बॉल्ट बॉक्सिंग में है एंड इंटरनेशनल लीग टी ट्वेंटी क्रिकेट में भी इनकी एक टीम है जो कि हाल ही में दुबई में आपकी की गई थी इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज द अडानी अहमदाबाद मैराथन ये भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन स्पोर्ट्स के फील्ड में काफी ऑलरेडी आगे अपना लेकर जा चुकी है अपने आप को और इससे पहले भी स्पॉन्सरशिप कर चुकी है जिसमें हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडियन जो टीम थी उनकी स्पॉन्सरशिप भी इन्होंने की थी और अब फिर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टाई अप करके उन्होंने तीन मेजर जो इवेंट्स आने वाले समय में है उनकी यहां पर स्पॉन्सरशिप हासिल की है ऑफिशियल पार्टनर बना है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन कौन कौन से स्पोर्ट्स का बना है बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हजार एशियन गेम्स 2022 एंड पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 ये एक क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा ली गई है अडानी स्पोर्ट्स लाइन की तरफ से बनी गई ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे और पहले कौन सा था पहले टोक्यो ओलंपिक्स था ये तीसरा क्वेश्चन बन सकता है और अडानी स्पोर्ट्स लाइन के बारे में पूछ सकता है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ऑलरेडी कौन कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है इस तरह के चार क्वेश्चन आपके इस न्यूज से गए, ठीक है ओके सो अदानी अदानी ग्रुप का अदानी स्पोर्ट्स लाइन अदानी ग्रुप का ही एक पार्ट है ये यहानी स्पोर्ट्स लाइन के बारे में स्टैटिक फैक्ट और नीचे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी स्टैटिक फैक्ट आपके सामने है। ठीक है और एक चीज मैंने चेंजेस किए हैं काफी लोग कुछ नए होंगे तो उनको पता नहीं होगा जो रीसेंट इवेंट्स है जो रीसेंट न्यूज है हर एक न्यूज़ की जो होती थी जो साथ में लगी होती थी अब मैंने उसको जस्ट लास्ट में शिफ्ट कर दिया है तो अब आपको कोई भी करंट अफेयर्स की जो भी रिसेंट न्यूज चाहिए वो सबसे लास्ट में मिलेगी आपको ठीक है ताकि आप लास्ट में रिवीजन कर सके आराम से कर सके अगर किसी को प्रिंट आउट निकालना है तो पहले वाले पेजेस प्रिंट आउट निकाल लेगा लास्ट वाले उसको निकालने की जरूरत नहीं है जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा ये आपकी एवरी ईयर ओडिशा में यहाँ पर फेस्टिवल है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है रथ यात्रा पुरी की हम बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं रथ यात्रा पुरी की काफी फेमस है ओके और इस बार भी वही ऑब्जर्व की गई है ओडिशा में रथ चरियोट जिसको कहते हैं डेडिकेट करता है लोड जगन्नाथ जी को उनके ब्रदर बल्लभ भद्रा एंड हिज सिस्टर सुभद्रा ओके okay, सो so इन तीनों को डेडिकेट करता हुआ ये आपका पूरा पूरा फैसल ओडिशा में ऑब्जर्व किया जाता है तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं पूछेंगे इसमें सिंपल सा पूछेंगे पूरी रथ यात्रा कौन से स्वेट स्टेट से बिलोंग करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा कौन से स्वेट स्टेट से बिलोंग होती है समथिंग लाइक दैट इस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है ठीक है ओडिशा का स्टैटिक फैक्ट आ गया अगली न्यूज आई है यह है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी इन्होंने रिलीज किया है एक असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ तो स्टेट्स एंड यूटी अंडर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020। ओके सो यह आपका बी आर ए पी दो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान दो एक रिपोर्ट इन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट्स एंड यूटीज के लिए और इसमें तकरीबन 301 रिफॉर्म पॉइंट्स कवर किए गए हैं यानी कि कुछ रिफॉर्म का मतलब कुछ चेंजेस लाना एंड जिसमें 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज कवर किए गए हैं अलग अलग लेवल के अलग अलग सेक्टर से लेबर से संबंधित एनवायरमेंट से संबंधित इस तरह की चीजें और किस तरह से बिजनेस एक चलता है आपका उसके लाइफ साइकिल सेक्टरल रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार इसमें बी आर ए पी दो हजार बीस बीस में जिसमें सेवेंटी टू रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये नौ सेक्टर्स में किए गए जिसपे ट्रेड लाइसेंस हेल्थ केयर लीगल सिनेमा हॉल्स हॉस्पिटैलिटी फायर एनओसी टेलीकॉम मूवी शूटिंग एंड टूरिज्म इसमें कुछ चेंजेस लाने की बात की गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड हैज रिलीजिंग सच रिपोर्ट टू थाउजेंड से ये रिपोर्ट रिलीज किया जा रहा है ताकि कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता जाए इंडिया में इससे पहले चार एडिशन इस तरह के रिलीज किए जा चुके हैं एंड लेटेस्ट एडिशन जो किया गया था दो हजार बीस की सस्पेक्ट की गई थी पूरी की पूरी न्यूज का एक समराइज फॉर्म में बताता हूं आखिरकार ये है क्या इसका जो टाइटल है दैट इज अ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 हजार बीस ये जो है ये आपके कुछ ऐसे बिजनेसेस जितने भी हमारे बिजनेसेस है सेक्टर्स हैं अलग अलग लेवल के अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं किस तरह से उनके चेंजेस किए जा सकते हैं उनकी लाइसेंस पॉलिसी से लेकर उनकी टैक्सेशन पॉलिसी तक यहां पर जो भी चेंजेस है प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका सेल से रिलेटेड जो भी सरकार के अधीन आता है सरकार कहती है कई बार ये चीज ऐसे होनी चाहिए ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो वही चीज आपका बिजनेस रिफॉर्म के तहत आती है और ये बिजनेस रिफॉर्म जो किए गए हैं ये बिजनेस रिफॉर्म लागू किए जाते हैं डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट के द्वारा यही रिफॉर्म्स इस बार स्टेट्स यूटीज के जितने बिजनेस इंडस्ट्रीज है उनके लिए जारी किए गए निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जारी किए इसको और नाम दिया गया बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 ठीक है और इसमें टोटल कितने रिफॉर्म्स जारी किए गए 301 पहला क्वेश्चन तो ये कितने रिफॉर्म्स तीन रिफॉर्म्स जारी किए गए हैं एंड इसमें से जो नया पहली बार रिफॉर्म्स जारी किए गए वो किए गए 72 रिफॉर्म्स इसमें से 301 में 72 जो है वो नए जारी किए गए ये नंबर पूछ सकते हैं कितने सेक्टर्स में है ये ये नो सेक्टर्स है जिनमें पहली बार कुछ चेंजेस लाने की प्रावधान रखे गए हैं और कौन सा डिपार्टमेंट इन रिफॉर्म्स को देता है दैट इज डीपीआई टी इनको देता है और चार इससे पहले रिलीज किए जा चुके दो हजार चौदह में पहली बार ठीक है अगली न्यूज पे चलते हैं महाराष्ट्र को रीनेम किया गया है औरंगाबाद एंड दी और सामनाबाद सिटी महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ द औरंगाबाद एज दी संभाजी नगर एंड उसमानाबाद एज दी धाराशिव नाम बदले हैं महाराष्ट्र ने अभी महाराष्ट्र में सरकार भी बदली है अभी आज एक शिंदे जी का यहाँ पर जो पार, उनको विधानसभा में प्रूव करने थी अपनी मेजोरिटी वो प्रूव कर चुके हैं अभी रिसेंट अभी खबर आई है घंटा भर पहले और ये उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से पहले रिजाइन देने से पहले की बात है उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने इन दो शहरों का नाम बदल दिया इन दो शहरों में सबसे पहला संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था और उस्मानाबाद जो धारशिव जो कहल पहले उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता था कैबिनेट मीटिंग ऑल्सो अप्रूड दी अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है वहां पर ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट उसको यहां पर काफी ज्यादा वो कंजस्टेड एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बीज रहता है एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम यहां पर पूर्व फार्मर लीडर लेट दिनकर बल्लू पाटिल के नाम से रख दिया गया है एयरपोर्ट फिलहाल कंडारानी ग्रुप के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रायगढ़ के पास टू डीकस्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उनकी भीड़ चीड़ भीड़ बहुत ज्यादा है उसको यहां पर कम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट साइंड एमओयू विद अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड टू जनरेट ग्यारह हजार मेगावोट ग्रीन पावर यह भी एक एमओयू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ यहां पर किया गया है ठीक है सो महाराष्ट्र ने दो जगह को रीनेम किया है दोनों के नाम आपको याद करने हैं ठीक है और ये वाला ठीक है ये भी याद करना है दूसरा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है और यह एक एमओ साइन किया गया है यह पूछा जा सकता है ठीक है दो मिनट रुको मैं अभी स्टार्ट करता हूं ठीक है पढ़ो इतनी देर ओके okay, स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेनशिप ने एक एमओ साइन किया है टू क्रिएट अ कोलेबेटिव इकोसिस्टम टू ऑफर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन कैपिटल गुड सेक्टर सो एम एच आई दैट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक एमओ साइन किया जिसके तहत आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपकी कैपिटल गुड्स सेक्टर कैपिटल गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स ऐसी मशीनरी कह लीजिए जो लंबे समय के लिए आपके साथ रहती है लंबे समय के लिए आपके लिए काम करती हैं आपकी एंड ये मशीनरीज आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट करके दे देती है फ्यूचर में आपने कोई काम शुरू किया जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व है और उसी मशीनरी से आपकी कोई प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे तो नहीं मशीनरी आपके लिए एक तरह के कैपिटल गुड है कि आपने पूंजी लगाई आपने कैपिटल लगाई, लगाई और उससे आपने कोई ऐसी चीज़ परचेज की जो आगे बिजनेस रन करेगी आपके लिए कैपिटल कहते हैं तो उनको चलाने की ट्रेनिंग उस तरह की कैपिटल गुड्स को यहां पर काम करने की ट्रेनिंग आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर किया जाएगा अंडर दिस एग्रीमेंट ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड इन सेवरल इंजीनियरिंग ट्रेड थ्रू क्वालिफिकेशन पैक्स डेवलप किया गया है उसको एमएचआई एमएचआई रिलेटेड सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा अंडर द स्कीम ऑफ एनहासमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज टू सो एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन एमएचआई और किसने एमएसडी ने किसके साथ टाइप के एमएचआई के साथ एम ने किसके साथ किया है एमएसडी के साथ किस पर्पज से किया है ये पर्पज आपसे पूछा जा सकता है बाकी ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर्पज लिखा है किस तरह से यहां पर होगा उसको किस तरह से आगे इसको बढ़ेगा अगली एक रिपोर्ट आई है आस प्राइवेट वेल्थ रून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन इंडेक्स 2022 ओके okay, so सो एक रिपोर्ट है यूनिकॉन इंडेक्स 2022 रिपोर्ट यूनिकॉन यूनिकॉन और इसी तरह से बहुत सारी ओड टर्म्स आती हैं आजकल ठीक है आ, उसमें यूनिकॉन किसको कहते हैं यूनिकॉन ऐसा स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है ठीक है गैजल्स जो कि यूनिकॉर्न बनने वाली अगले दो सालों में एक्सपेक्टेड है 500 मिलियन और एक बिलियन के बीच में कहीं उनकी वैल्यूएशन चल रही है चीताज स्टार्ट दैट कुड गो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट फोर ईयर्स चार चार सालों में वो बन जाएंगी ये तीन कैटेगरी हैं यूनिक ये दो चीज़ें हैं यूनिकॉर्न बन से पहले अभी हाल ही में यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी यूनिकॉर्स आ रही हैं हंड्रेड के मार्क को क्रॉस कर चुका है ठीक है तो मैंने हंड्रेड यूनिकॉर्न यूनिकॉन आपको बताई थी कौन से बनी है हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था उसके साथ एक सौ एकवी यूनिकॉन एक कंपनी थी काफ़ी फेमस काफ़ी टाइम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट है दैट इज़ ए फिजिक्स वाला मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में उसको उसको कवर नहीं किया था क्योंकि वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती हमारे लिए सो भी होती है जो हंड्रेड थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कवर नहीं किया से एक स्टूडेंट कमेंट करके कहता है कि सर आपने एक सौ एकवी यूनिकॉन को कवर क्यों नहीं किया क्यों फिजिक्स और अनअकैडमी के बीच में जो घमासान चल रहा उसकी वजह से आपने कवर नहीं किया अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है जस्ट इजिली कवर नहीं किया था क्योंकि वो हंड्रेड है हंड्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्पल ऐसे तो एक सौ एक भी आएगी फिर एक सौ दो फिर एक सौ तीन ऐसे तो हम कितनी यूनिकॉर्न करते रहे ऐसे तो पूरी की पूरी सौ और दो सौ यूनिकोन्स हमें कवर करने पड़ेंगे है ना कितना याद कर लोगे तो थोड़ा सा चीजों को समझा करो ऐसी बातें ना किया करो ऐसी बातें बचने करने से बचा करो जो आपका समझाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करो ठीक है तो ये आपका यूनिकॉर्न गैजल्स चीताज ये आपका हुआ आपको याद होगा अभी मैंने जस्ट क्लास जो लिख प्लस क्लास खत्म की थी अभी मैंने एडिटोरियल की उसमें मैंने आपको स्टार्टअप्स बताए थे अभी कि स्टार्टअप्स क्या क्या होता है किसको कहते हैं है ना और वही स्टार्टअप्स यहां से लिख करो मैंने तब आपको कहा था आज की क्लास में एक इंडेक्स आएगा एक रैंकिंग आई जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में जिक्र होगा तो वही स्टार्टअप्स है उस एडिटोरियल से लिंक कर सकते हो और मैंने उसमें आपको वेंचर कैपिटल भी बताया था वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं तो वो सिकोइया कैपिटल मैंने एक नाम भी लिया था आपको याद होगा अभी जैसे आधे घंटे पहले क्लास की बात है एंड दट ई मज ड मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टेड इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैविंग इन्वेस्टेड इन थर्टी नाइन प्रोबेबल यूनिकॉन्स फॉलोड बाई टाइगर ग्लोबल जो कि वेंचर कैपिटल सेवन यूनिकॉन्स में इन्वेस्टमेंट किया ठीक है तो ये तो हुआ कुछ टर्म्स जो इस न्यूज में आने वाली हैं बाकी ये देख लेते हैं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी एक रिपोर्ट है आज प्राइवेट हेल्थ हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन इंडेक्स दो हजार बाईस इसके अनुसार इंडिया के अब यहां पर अगले दो सालों में 122 नई यूनिकॉर्न्स यहां पर दो से चार सालों में मिल जाएंगी द इंडेक्स प्रोवाइड्स अ ग्लिम्पस ऑफ इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम एंड रैंक्स इंडियन स्टार्टअप जो कि 2000 में एस्टेब्लिश किया था स्टार्ट हुआ था 200 मिलियन डॉलर टोटल सभी मिला के उनकी एक वैल्यूशन थी अभी वो लिस्टेड नहीं है पब्लिक एक्सचेंज में यानी कि उनकी शेयर्स मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए

बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे कान में तुम खुद पढ़ रहे न्यूज़ कैसे ये रिपोर्ट है और तो रिपोर्ट का नहीं है जीडीपी देता है फैमिली पार्टी कभी मैं ना आप सबको एक पी दे देता हूँ ठीक है अभी जस्ट मेरे से बोला भी नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे कान और यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है कान में जा रहा है ओके okay, सो so मैं जस्ट पी अभी दे, दे देता हूँ न्यूज़ हैं काफ़ी बैंकिंग वाली क्लास भी मैं नहीं ले पाऊँगा ठीक है तो सारी की सारी कर लेना इसमें वो खुफिया क्वेश्चन वगैरह भी सारे कुछ दे रखा है ठीक है <laughs> मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ डिलीवर क्या करूँगा मतलब उतने अच्छे से अपने डिलीवर नहीं कर पाऊँगा क्लास को है ना बोल नहीं पाऊँगा न्यूज़ काफ़ी है ठीक है कर लेना कवर रात को क्लास जरूर ले लेंगे दस बजे हाँ क्विकर सेशन ले लूँगा रात को उम्मीद है रात तक ठीक हो जाऊँगा और क्विकर सेशन में सारी न्यूज़ डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे ठीक है थोड़ी अच्छे से डिटेल में कर लेंगे डिस्कस क्विक क्विकली नहीं करेंगे थोड़ा सा आराम से कर लेंगे ओके सो ये सारे के सारे क्वेश्चन है आज के ये बैंकिंग की न्यूज़ है ओके सो दैट्स इट सॉरी फॉर टुडे सेशन एंड ले सकता जरूर लेता कंटिन्यू करता नहीं पॉसिबल है पहले प्लस क्लास जब ली थी तब सही था अभी पता नहीं क्या होगा काफ़ी दिन से मेरे ख्याल दर्द हो रहा है लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्लास क्लास के दौरान हो रहा है आगे क्लास के एंड होने होते होते दर्द होना शुरू हो जाता था लेकिन आज क्लास के दौरान हो रहा है तो मैं बोल नहीं पा रहा ज़्यादा टेक केयर बाय एंड सॉरी फॉर दिस एंड पीडीएफ अभी आपको दो मिनट में मिल जाएगी